जय श्री राम भक्तों, मैं अजय महाराज। आज का विषय है बुरा वक्त आने के क्या संकेत होते हैं और क्या बचाव है इसका। आज का ये वीडियो आपके लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगा। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। देखिए, बुरा वक्त प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी अवश्य आता है। जैसे दिन और रात होते हैं, उसी प्रकार से सुख और दुख ये जोड़े हैं। प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक मानव के जीवन में दुखों का समय अवश्य आता है। और जब किसी भी व्यक्ति का बुरा वक्त आता है तो उसके अपने भी पराये हो जाते हैं, सारे कार्य विपरीत होने लगते हैं, सब तरफ से नुकसान होने लगते हैं, स्वास्थ्य की हानि होती है, व्यापार की, धन की अत्यंत हानि होती है। हर एक व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार का समय कभी ना कभी अवश्य आता है। हमारे पास अनेको भक्तों के ये प्रश्न आया है कि महाराज जी, बुरा वक्त आने का क्या कारण होता है और क्या संकेत होते हैं और इसके क्या बचाव हैं। आज का ये वीडियो आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि बुरा वक्त आता क्यों है। देखिए, बुरा वक्त आने के प्रमुख दो कारण होते हैं। नंबर एक, आपके ऊपर व आपके घर में नकारात्मक शक्ति का होना बुरा वक्त आने में नकारात्मक शक्ति का जो योगदान है वो 70 से 75% तक देखा गया है। दूसरा सबसे बड़ा कारण बुरा वक्त आने में, जो दूसरा सबसे प्रमुख कारण है, वो है आपके ग्रहों का विपरीत चलना। आपके कुंडली हॉरोस्कोप में ग्रहों की दशा व अंतर दशा का बिगड़ना, ग्रहों का योगदान बुरा वक्त में, बुरा वक्त आने में 25 से 30% देखा गया है। सबसे बड़ा योगदान होता है नकारात्मक शक्तियों का, उसके उपरांत होता है ग्रहों का। ये तो रहा कारण कि किसकी वजह से बुरा वक्त आता है। जब ये दो चीजें आपके जीवन में, आपके शरीर में, आपके घर में होती है, नंबर एक नकारात्मक शक्ति, नंबर दो विपरीत ग्रह चल, इसकी वजह से आपके जीवन में बुरा वक्त आता। अब बात आती है बुरा वक्त आने के क्या संकेत है। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति का जीवन में बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले जो प्रमुख संकेत होता है वो होता है उसकी निर्णय लेने की क्षमता का खत्म होना। कोई भी व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी योग्य हो, कितना भी सक्षम हो, जब उस व्यक्ति का बुरा वक्त आता है तो आप यकीन मानिए सबसे पहले उसकी बुद्धि खराब होती है, सबसे पहले उसके निर्णय गलत होना शुरू होते हैं। वो अपने जीवन में जिस क्षेत्र में भी जो भी डिसीजन लेता है वो डिसीजन गलत होते हैं, जिसकी वजह से उसको अत्यंत दुखों का सामना करना पड़ता है। वो डिसीजन चाहे उसके पारिवारिक डिसीजन हो, संबंधों से संबंधित डिसीजन हो, स्वास्थ्य से संबंधित डिसीजन हो, या कारोबार से संबंधित डिसीजन हो, जीवन में वो प्रत्येक डिसीजन
गलत लेने लगता है, डिसीजन लेने की क्षमता उसकी खत्म होती जाती है, या दूसरे शब्दों में उसकी बुद्धि खराब होने लगती है। आप ऐसे व्यक्ति को कितना भी समझाएं, उसके नजदीकी व्यक्ति, नजदीकी संबंधी, उसके परिजन, उसके मित्र, उसके हितैषी, उसके गुरु, उस व्यक्ति को कितना भी समझाएं, कितनी भी उससे अच्छी सलाह दें, उसकी समझ में नहीं आती है। वो करता अपने मन की ही है, और उसके मन में जो आता है वो गलत आता है, क्योंकि उसकी निर्णय लेने की क्षमता सबसे पहले प्रभावित होती है। ये सबसे बड़ा संकेत है। नंबर दो, ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे अनिद्रा का भी शिकार होते हैं। इनको रात में ढंग से नींद नहीं आती है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य की हानि होती है। धीरे धीरे व्यक्ति अवसाद में जाने लगता है, डिप्रेशन में जाने लगता है, स्वास्थ्य खराब होने लगता है। दिन में उसको सुस्ती आती है, कार्य करने में मन नहीं लगता है, उसके कारोबार इसी वजह से हानि की ओर जाने लगते हैं। ये दूसरा प्रमुख संकेत है। तीसरा जो प्रमुख संकेत पाया गया है वो है क्रोध का अत्यधिक बढ़ जाना उसके जीवन में। वो प्रत्येक व्यक्ति के प्रति जो नम्रता का व्यवहार था उसका, वो खत्म होने लगता है। वो धीरे धीरे प्रत्येक परिजन पे, संबंधी पे, नजदीकी व्यक्ति से, ऑफिस में, कार्यालय में, व्यापार में, सभी पर क्रोधित होने लगता है। उसका क्रोध पर नियंत्रण खत्म होने लगता है। ये तीसरा सबसे बड़ा संकेत है। अगर ये तीन संकेत आपके जीवन में आ रहे हैं तो आपको अत्यंत सजग हो जाना चाहिए। ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आप के जीवन में बुरा वक्त शुरू हो चुका है। अगर आपको इससे बचना है, इसके उपाय जो है, इसके उपाय में सबसे पहले जो सबसे प्रमुख कदम उठाना है आपको, नंबर एक, आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण करना है। आप कोशिश करें, गांठ बांध लें अपने मन में कि किसी भी परिस्थिति में हमें क्रोध नहीं करना है। ऐसा अगर आप करेंगे तो अनेकों दुखों से और अनेकों नुकसान से आप बचे आएंगे। नंबर दो, आपको अपने प्रियजनों, अपने नजदीकी व्यक्ति, हितैषी व्यक्तियों के, गुरुओं के जो अच्छे सुझाव हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि आप लोगों की निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो जाती है, आप सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, परंतु आपको विचार करना चाहिए। कोई भी निर्णय लेने से पहले आप अपने निकटतम सहयोगी, परिजन, गुरु इत्यादि का जो सुझाव है उसको मानने का प्रयास करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके अनेकों नुकसान बच जाएंगे। नंबर तीन, आपके ऊपर, आपके शरीर में या आपके घर में जो नकारात्मक शक्तियां प्रवेश पाई हैं, जो नकारात्मकता आई है, इसको अवश्य दूर भगाएं। आप इसके लिए किसी योग्य महाराज से संपर्क करके अपनी नकारात्मक शक्तियों का निवारण अवश्य करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए आपका बुरा वक्त टल जाएगा, आपके अनेकों नुकसान बच जाएंगे, और आपके जीवन में या आपके कुंडली में जो आपके ग्रहों की विपरीत दशा चल रही है उसका भी किसी योग्य ज्योतिष से या महाराज से उपाय पूछें और उन उपायों को करें जिससे कि आपके जीवन में कम नुकसान हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए आप भारी नुकसान से बच जाएंगे और वो बुरा वक्त बड़ी आसानी से कट जाएगा, क्योंकि बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता,
ये कुछ समय के लिए आता है और उसके उपरांत आपके जीवन में खुशियां आती हैं, अनेक आपको अवसर मिलते हैं, आपका अच्छा वक्त भी शुरू होता है। अगर आप इन समस्याओं से पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो इसके निवारण हेतु तो आप स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर हमसे संपर्क करके आप अपने इन कष्टों का निवारण बड़ी आसानी से करा सकते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया आप अपने इस प्रिय चैनल एडवेंचर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए ऑल बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। जय श्री राम।